सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इजी लाइफ टिप्स स्नेह तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। काढ़ा पीने का महत्व आयुर्वेद ने भारत में बहुत पहले ही समझा दिया था। इस बीमारी कोरोना ने इसे रामबाण बना दिया है। आज ही हमारी बहुत जरूरत बन गया है, तो क्यों ना हम इसे घर में ही रोज ताजा बनाएं और पिए। इस वीडियो में मैं आपको काढ़ा बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जो पीने में तो स्वादिष्ट होगा ही, साथ ही पूरा लाभ भी देगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं काढ़ा। दो लोगों के लिए काढ़ा बनाने के लिए मुझे चाहिए एक छोटा चम्मच अजवाइन, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा सा कच्ची हल्दी का टुकड़ा, 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा और 1 तेजपात का पत्ता। इन सबको मैं दरदरा कूट लूंगी और फिर पानी में उबालूंगी। काढ़ा तैयार होने के बाद मैं उसमें काला नमक, नींबू और शहद स्वादानुसार डालूंगी। साथ में तुलसी के सत की 4 बूंद भी डालूंगी। आप तुलसी के सत की जगह तुलसी के पत्ते डालकर उबाल सकते हैं जब आप पानी को काढ़े को उबाल रहे हैं। मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं हैं, इसलिए मैं तुलसी का सत डालूंगी। मैंने पतीले में 500 ml पानी लिया है और इसे गैस पर रख दिया है। गैस को मैंने सिम रखा हुआ है और ये मसाला दरदरा पीस कर मैं इसमें डाल दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उबालूंगी। 500 ml का ये 300 ml रह जाएगा। जब ये 300 ml रह जाएगा तो इसको गरम गरम को छानकर मैं आगे का प्रोसेस पूरा करूंगी। काढ़े में खूब अच्छी तरह उबाल आ रहा है और पानी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका टेस्ट भी पीने में बहुत अच्छा होता है। काढ़ा मेरा उबलकर तैयार है, पानी रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इनको 2 ग्लास में छान लूंगी। इसमें मैं स्वादानुसार काला नमक डालूंगी और 4 बूंद तुलसी की। इसमें मैं 1-1 चम्मच नींबू का रस डालूंगी। दो चम्मच शहद के, हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार है। ये पीने में भी बहुत स्वादिष्ट है और इसके लाभ भी बहुत है। जी आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काढ़ा बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।